नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की 15वीं सालगिरह। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जीवन बदलाव में सक्षम है राजयोग। 2000 युवाओं ने की रूहानी उड़ान में सहभागिता। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर में किसान सशक्तिकरण अभियान में पहुंचे परिवहन एवं आवास मंत्री। संस्थान द्वारा किसानों की मदद के प्रयासों को सराहा। शाश्वत योगी खेती पर सहमति। महाराष्ट्र वर्धा में श्रीमद् भगवद गीता के योगदान पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम। गीता विशेषज्ञ बीके उषा ने आध्यात्मिक रहस्यों को किया स्पष्ट। राजकोट की रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर अलविदा डायबिटीज शिविर। जीवन को रोग मुक्त बनाने के लिए दिनचर्या में करे बदलाव। इंदौर के मेडिकैप्स इंजीनियरिंग प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम। कार्यों के बीच जीवन संतुलन पर चर्चा। पेरिस में वर्ल्ड क्लाइमेट समिट 2015 का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने इंडिया वन प्रोजेक्ट को किया प्रस्तुत। जीवन और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है सौर ऊर्जा। ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय राजदूत इंद्रमणि पांडे से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने की मुलाकात। सेवा केंद्र पर भी सुखमय जीवन के लिए व्यवहारिक समाधान पर परिचर्चा। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा राजयोग की पहल। कई कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का 15वां वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा समारोह प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉ डीआर कार्तिकेयन, दिल्ली एवं चंडीगढ़ के चुनाव आयुक्त राकेश मेहता, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य समीना शफीक, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, दिल्ली सब जोन प्रभारी दादी रुकमणी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, सह निदेशिका बीके गीता तथा बीके शुक्ला, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने केक काटकर उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। इस अवसर पर नामचीन लोगों ने कहा कि जीवन में छोटी से छोटी बातों से हम स्वयं को सुखी व दुखी बना सकते हैं। ऐसे में बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। वहीं दूसरों के प्रति सदा सकारात्मक व श्रेष्ठ संकल्प करने पर बल दिया। कितनी बड़ी तपस्या कर लूं, कितना ही आगे बढ़ लूं, लेकिन मैं किसी को, शिवानी बहन ने कहा, किसी को पीड़ा दूंगा तो खुशनुमा जिंदगी ना मेरी होगी ना उसकी होगी। उसके दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा, उसकी भी जिंदगी खुशनुमा होगी, मेरी भी होगी। आइए हम सब मिलके ये ब्रह्म कुमारी समाज पूरा विश्व में लगा हुआ। The fastest growth of any institution, to my knowledge, is in the ORC. All the time I have been seeing the growth from time to time. Amazing development here. और वो जो इंसानियत का पाठ है वो स्कूलों में कहीं ख़त्म हो गया है, उसको वापस स्कूलों में किस तरह से लाया जाए, एजुकेशन सिस्टम का किस तरह से पार्ट बनाया जाए, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रह्म कुमारी इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म कुमारी ईश्वर विद्यालय में जो ज्ञान मुझे मिला उसमें यही ज्ञान मिला कि हम किस तरह से परम पिता परमात्मा से योग लगा कर हम अपने अंदर में किस हद तक परिवर्तन को ले जा सकते हैं और ये किस हद तक हमें सफलतापूर्वक कार्य करने में शक्ति देता है। इस अवसर पर दिल्ली व एनसीआर से लगभग 3500 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। साथ ही ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा जीवन को सुखमय बनाने का संकल्प लिया।
इसी उपलक्ष्य में रूहानी उड़ान कार्यक्रम में 2000 युवाओं ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के सचिव राजीव गुप्ता ने कहा कि हमें जीवन में हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और ईश्वर ने हमें यह शरीर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया है। इस युवा शक्ति को सही दिशा में संयोजित करना, उसको उच्च उत्तम शिक्षा मिले, वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, वह समाज में प्रतिभाग करे, उसमें सोशल वैल्यूज आए, उसका पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस में और सोशल इंक्लूजन हो, ताकि कोई भी वर्ग पिछड़ा ना रहे और सरकार के सभी विभाग उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख के कार्य कर रहे हैं। वही संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने कहा कि जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन अर्थहीन हो जाता है। योग बाबा से मिली हुई शक्ति है और अगर हम योग नहीं लगाते तो जो कुछ भी करते हैं अपनी शक्ति से करते हैं। अगर आप बिना योग के सेवा करोगे, अपनी शक्ति से करोगे, तो फिर आपकी शक्ति तो लिमिटेड है, फिर आपको थकावट हो जाएगी, लौकिकता आ जाएगी, कई बातें आ जाएगी। तो योग तो वो पावर है जो ईश्वरी पावर से हम सेवा करते हैं, हल्के रहते हैं। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने ईश्वरीय ज्ञान से जीवन में होने वाले महानतम बदलाव के बारे में जानकारी दी और सभी से राजयोग सीखने का आह्वान किया। जिसके पास नाम भी है, मान भी है, शान भी है, धन भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, उसके बाद अगर कोई त्याग करता है तो उसको त्याग कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमको जीवन के अंदर एक पर्टिकुलर बैलेंस देती है और उस बैलेंस को बनाए रखने से हमारा जीवन एकदम महक जाता है। और हम लोग यही मानते हैं, हम सभी यूथ, हम सबके तरफ से मैं ये कहना भी चाहूँगा और यही दिल से निकलते भी उद्गार कि जनरली हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हम लोग अपने आप को महकाने के लिए परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन हमको हमारे आदरणीय दीदी, हमारे बाबा ने हमें यही सिखाया कि हम सबका किरदार ही ऐसा हो कि हमारे जीवन से खुशबू आए। इस कार्यक्रम में आए युवाओं ने कई समस्याओं पर समाधान पूछे, जिसमें विद्वानों ने राजयोग के जरिए आध्यात्मिक समाधान के उपाय सुझाए। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां युवाओं द्वारा दी गई, जिसमें समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को कलाओं के द्वारा रखने का प्रयास किया गया। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर में किसान सशक्तिकरण अभियान के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन एवं आवास मंत्री केएल पवार, कृषि विभाग के एसडीओ सुनील कुमार, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, महसाना से प्रभाग के सदस्य बीके रजनी समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि रासायनिक खाद का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे ही आज मनुष्यों में बीमारियां फैल रही हैं। वहीं शाश्वत योगी खेती की जानकारी देते हुए सभी को योगाभ्यास द्वारा प्रकृति को सुख, शांति व पवित्रता की वाइब्रेशन देने की विधि सिखाई। फूलों की सब्जी हमें एक्सचेंज करने के जैसे किसान को भी लाभ होगा, इसलिए हरियाणा सरकार प्रयत्नरत है किसानों को अच्छे अच्छे भाव मिले। गांव गांव में खेती बहुत उपजाऊ हो, जिसे हम योगी खेती कहते हैं, जो योग के वाइब्रेशन द्वारा ऐसी शक्तिशाली खेती हो जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक बने, मन भी उज्जवल बने। महाराष्ट्र के वर्धा सेवा केंद्र द्वारा ओपन ग्राउंड में जीवन परिवर्तन में श्रीमद् भगवद गीता के योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, सांसद रामदास तड़स, बापूराय देशमुख इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य एमए गायकवाड़, शिव वैभव ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर माथनकर, महाराष्ट्र के कामठी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेमलता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माधुरी ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर बीके उषा ने मानव मन रूपी कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का वर्णन बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ किया। वहीं अन्य सदस्यों ने राजयोग द्वारा अंतर्मन की यात्रा से सभी को शांति की अनुभूति कराई। जिन देवियों की हम पूजा करते ये देवियां कौन है? तो कहते असुर संहारनी शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। जिसने असुरों का संहार किया, नव दुर्गे सभी असुर संहारनी शिव शक्तियां। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। इस कार्यक्रम के अंत में गीतों व कविताओं के माध्यम से परमात्मा मिलन की खुशी जाहिर की और उपस्थित लोगों का उमंग उत्साह बढ़ाया गया। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन AIDS सेंटर सिविल हॉस्पिटल की प्रमुख डॉक्टर आरती त्रिवेदी, आयुर्वेदिक डॉक्टर हरीश वैद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, राजयोग शिक्षिका बीके गीता और बीके डिम्पल ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके डिम्पल ने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किस तरह संयमित जीवन और शाकाहारी व सात्विक भोजन से मधुमेह को नियंत्रण में किया जा सकता है। वहीं अतिथियों ने राजयोग के अभ्यास को कारगर बताया। इस दौरान लोगों के मधुमेह की निशुल्क जांच की गई और शारीरिक योगाभ्यास भी कराए गए, जिसका सभी ने लाभ लिया। इंदौर के मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें सूरत से आई अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार बीके डॉक्टर सुनीता ने कार्य क्षेत्र में निर्णय शक्ति का सही उपयोग कर दिनचर्या को संयमित बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कॉलेज के निदेशक डॉक्टर सोमानी समेत 200 फैकल्टी मेंबर्स उपस्थित थे। हम सिचुएशन के इतने अटैच हो जाते हैं कि सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। Okay, we are the creators of the situation, then we are the creators of the solutions also of the situation. हिमाचल प्रदेश में निचार के एकलव्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सफलता के लिए सुरक्षा के महत्व विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश शर्मा ने अपनी सबसे बड़ी कमी कमजोरियों से दुखी होने की बजाय उसे सबसे बड़ी ताकत में बदलने की बात कही। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्राचार्य देशराज शर्मा ने संस्था का धन्यवाद करते हुए बच्चों से इन शिक्षाओं को अमल में लाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भाभा नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सपना तथा रिकोंगपियो सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरस्वती मुख्य रूप से उपस्थित थीं। ओडिशा के बना मालीपुर पाटना उप सेवा केंद्र की 8वीं सालगिरह और नए भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भुवनेश्वर विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर विभूति भूषण सिंह मर्दराज, खानपड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष शिशिर कुमार साहू, गांव के सरपंच शरद साहू, भुवनेश्वर सबजोन प्रभारी बीके लीना, नयागढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मिनी, स्थानीय उप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बिंदु ने मुख्य रूप से सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट लोगों और सदस्यों ने दीप जलाते हुए किया और कहा कि समाज में दिन प्रतिदिन दुख अशांति बढ़ती जा रही है, जिसे समाप्त करने के लिए हमें राजयोग द्वारा सबसे पहले स्वयं को सशक्त बनाना होगा। वहीं नए भवन का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस उपलक्ष्य में गांव में शांति पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया। वहीं चैतन्य देवियों की झांकी के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन को देव तुल्य बनाने का आह्वान किया गया। देहरादून के दी कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर डाक पत्थर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सविता, रुड़की से राजयोग शिक्षिका बीके सोनिया, बीके सुशील, लुधियाना से डॉक्टर राकेश कपूर, स्कूल की अध्यक्षा मीना वोहरा, प्राचार्य सार्थक वोहरा ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने मानवीय गुण, संबंध, आत्म जागरूकता, कर्मों की गहन गति संबंधित कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, 5 युग समेत अन्य कई विषयों पर जानकारी प्राप्त हुई। मेरे सतगुरु प्यारे दा,
इस वार्षिकोत्सव के दौरान स्कूल में हुई प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को संस्था के सदस्यों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। महाराष्ट्र के मालेगांव सेवा केंद्र ने किसान सशक्तिकरण अभियान का समापन समारोह मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप जलाकर किया, जिसमें विधायक अमित जनक, पूर्व विधायक विजय राव जाधव, कलेक्टर राहुल द्विवेदी, जिला कृषि अधीक्षक डॉक्टर मुरलीधर इंगले, आत्मा संस्थान के संचालक अरुण वाघमारे, कृषि सभापति गजानन देवड़े, तहसील के कृषि अधिकारी संतोष वारले, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके स्नेहलता, बीके ज्योति मुख्य रूप से शामिल हुई। इस अवसर पर सभी विद्वानों ने भारत देश को कृषि प्रधान देश बताते हुए कृषि संबंधित अनेक समस्याओं पर चर्चा की और उसके समाधान भी बताए। शेती जेव्हापासून आपण रासायनिक खत किंवा रासायनिक औषधी वापरणं सुरू केल्या तेव्हापासून आपल्या पीक पद्धतीवर सुद्धा परिणाम जाणवला। आपण सर्व मंडळी तणनाशक वापरतो म्हणजे आपली मेहनत आपण कमी करतो, पण तणनाशक वापरताना जमिनीतले जे मदत करणारे कंपोनेंट्स आहेत किंवा ज्या घटक आपल्याला मदत करतात उत्पन्न वाढण्यासाठी हे सुद्धा आपण त्यासोबत मारतो। अमेरिकेचे प्रथम राष्ट्रपती होते जॉर्ज वॉशिंग्टन, त्यांनी सांगितलं होता की जी शेती आहे शेती सर्वात उदात्त, सर्वात पुण्यकारक, सर्वात स्वास्थ्यकारक आणि सर्वात सहकारक हे एक उपक्रम आहे आणि हे जे उपक्रम आहे याची तुलना कोणत्याही उपक्रमाशी करता येत नाही। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से किसानों की स्थिति और गांव की दुर्दशा को दर्शाया गया। अंत में सभी ने राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति की। मुंबई मलाड के फ्लेमिंगो सेवा केंद्र पर INS हमला के कमांडर दीपक कपूर और उनकी धर्मपत्नी ने शिरकत की। सेवा केंद्र की बीके बहनों से मुलाकात के पश्चात उन्होंने संस्था द्वारा समाज के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और माउंट आबू आने की इच्छा जताई। इस अवसर पर मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्जा ने जहां अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की, वहीं राजयोग द्वारा मन के भय को समाप्त करने तथा सशक्त बनाने का आह्वान किया। राजयोग द्वारा संस्कार परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के लक्ष्य से ओडिशा झारसुगुड़ा के बेलपहाड़ सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्मप्रकाश ने कहा कि हमारे जैसा भाग्यवान इस पूरे संसार में कोई नहीं है क्योंकि हमें स्वयं साक्षात भगवान मिल गए हैं। इसके साथ ही सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शिखा ने भी परमात्मा मिलन के नशे में रह राजयोग का नियमित अभ्यास करने पर बल दिया। इस दौरान सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और संस्कार परिवर्तन की ओर एक और कदम बढ़ाने का प्रयास किया। नोएडा के सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा तिगड़ी गांव में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर सैकड़ों लोगों को ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया गया। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शील के मार्गदर्शन में लगी इस प्रदर्शनी में लोगों ने कर्मों की गहन गति, सृष्टि चक्र समेत अन्य कई विषयों की जानकारी हासिल की और राजयोग सीखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके उमा और सेवा केंद्र से जुड़े बीके मनोज ने बड़ी संख्या में लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। वहीं आसाम में बोनगाई गांव सेवा केंद्र ने राज मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लोनी के मार्गदर्शन में आयोजित इस मेले में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और सैकड़ों लोगों को राजयोग की शक्ति द्वारा गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने की प्रेरणा दी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पेरिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होटल पोटोकी में वर्ल्ड क्लाइमेट समिट 2015 का आयोजन किया गया। वर्ल्ड क्लाइमेट लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मोरक्को की पर्यावरण मंत्री हकीमा एल हेते ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की कोई सीमा नहीं है, ना ही कोई धर्म है और ना ही कोई राष्ट्रीयता। यदि आज हमारा देश इसकी चपेट में है तो कल आपका देश भी इसके चपेट का हिस्सा बनेगा, इसलिए मानवता के लिए हमें एक दूसरे को प्यार व सम्मान देने की आवश्यकता है। ग्रैंड पालाई में COP21 के दौरान सोलार इंजन, स्टेशन एनर्जी तथा इंडिया वन ने सहभागिता की। सोलार इंजन और स्टेशन एनर्जी परियोजनाएं अफ्रीका में स्थानीय समुदायों के लिए बनाई गई है।
इस दौरान बीके गोलू ने इंडिया वन सोलार थर्मल प्लांट को प्रस्तुत किया और नवीन प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी परिचय दिया। वहीं एफिल टावर के समीप स्थित कन्वर्जेंस में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती ने सदस्यों से मुलाकात की और स्वयं को नकारात्मकता से बचाने के लिए अपने मन को स्वच्छ, सुंदर व शांतिपूर्ण बनाने का आह्वान किया। पेरिस में ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा सेंटर ने पेरिस समुदाय के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। एलिगेंट होटल में आयोजित इस सम्मेलन में फ्रेंच एसोसिएशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी के डायरेक्टर जनरल ब्रह्मा कुमारीज के यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती विशेष रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर एलेन कीरो ने जलवायु परिवर्तन परिदृश्य को सार में समझाया और बताया कि हमारा कमजोर मन तथा पर्यावरण संबंधित बदलाव ही वातावरण को दूषित कर रहा है। वहीं बीके जयंती ने जलवायु परिवर्तन को एक बेहतर अवसर बताते हुए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। When you turn inwards and connect with the happiness and joy that's within, then your lifestyle becomes a very simple one, and so you don't need so much from outside. But there's a spirit of generosity and care in which you're able to share with others. ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय राजदूत इंद्रमणि पांडे से माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, बीके रुपेश, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके गायत्री ने मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अनेकों का जीवन सुखमय बनाने का आह्वान किया। इसी तरह मस्कट सेवा केंद्र पर सुखमय जीवन के लिए व्यवहारिक समाधान विषय पर टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने लोगों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हुए सहज रीति से समाधान बताए। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा इस वर्ष 2015 में कई ईश्वरीय सेवाएं की गई हैं। न्यूयॉर्क में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पीस विलेज से बीके कला, म्यूजियम प्रभारी बीके जैना, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, संस्था से जुड़ी इंग्रीड वॉल्डरवेल्ड, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शेरॉन स्टोन, जॉन विस्कॉन, जॉय बेल्ड्रेस, फेमस बिजनेसमैन शाहीन माफी समेत अन्य लोगों ने मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा की जा रही ईश्वरीय सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिटेशन म्यूजियम के सदस्यों ने इस साल कई सेवाओं के माध्यम से लोगों को सुख, शांति व अमन का पैगाम दिया तथा राजयोग के महत्व से भी अवगत कराया, जिसके तहत जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मॉल्स में बिलीफ इवेंट, यूनिटी में कन्वर्सेशन ऑन रेस रिलेशंस, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में सौर इवेंट समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यही नहीं, मेडिटेशन म्यूजियम में बिलीफ एट यूएन विद फ्रेंड्स, अमेरिकी मेडिटेटिंग रिट्रीट इन पीस विलेज समेत अनेक विषयों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में आत्मविश्वास को जागृत करने तथा तनाव व अवसाद से बचने की प्रेरणा दी गई। इस दौरान ग्रिड सीडी भी लॉन्च की गई, जिसके द्वारा लोगों को राजयोग से सभी समस्याओं को समाप्त करने व खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। इन्हीं दिनों संस्था के सदस्यों ने ऑथर नेविल हॉडकिंसन, टीवी होस्ट डॉक्टर आंदियम पेंटिंगन, पोइट एंडी शल्ला, कॉमेडियन विजय नाथन, कांग्रेसमैन सर्बनेस, नेपाल से बुद्धिस्ट मोक समेत अन्य राजनीतिज्ञों तथा फिल्मी हस्तियों से मुलाकात कर वैश्विक समस्याओं एवं उसके समाधान पर चर्चा करते हुए राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने भी मेडिटेशन म्यूजियम का दौरा कर लोगों में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दिया। ईश्वरीय सेवाओं में लगातार हो रहे विस्तार के चलते सेकेंड मेडिटेशन म्यूजियम का निर्माण भी किया गया है, जिससे अधिक से अधिक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को आंतरिक शांति की अनुभूति कराई गई। वहीं अमेरिका मेडिटेटिंग रेडियो शो के माध्यम से 800,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि संस्था के लिए गौरव की बात है। ज्ञात हो कि इस शो के माध्यम से लोगों को राजयोग द्वारा अपनी समस्याओं को समाधान करने की जानकारी हासिल हो रही है। संस्था द्वारा समाज के उत्थान में किए जा रहे बेहतरीन कार्यों को देखते हुए कई सर्टिफिकेट तथा मेडल भी दिए गए हैं, जो कि विदेशी जमी पर संस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब पीस ने उसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर।
यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।